नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अढ़ाई का अड्डा। इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे वो खबरें जिनका मिजाज और अंदाज थोड़ा अलग है। जनता से जुड़े मुद्दे, अच्छी पहल, कहीं बनी हो मिसाल, किसी ने किया हो कमाल, दिखाई हो किसी ने हौसले की उड़ान, बनाई हो पहचान। इस खास पेशकश में आप देखेंगे ऐसी खबरें जो है अलग, अनोखी, जिनका जन जन से हो सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। देश भर में धूमधाम से आज गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। मां गंगा आज ही के दिन धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान का खास महत्व होता है। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह है आपको दिखाते हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब, गंगा मैया के दर्शन के लिए देव डोलिया भी पहुंची है। ये तस्वीरें विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम की है। गंगा दशहरा के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। गंगोत्री धाम में देव डोलियां भी पहुंच रही हैं। मान्यता है कि मां गंगा राजा भागीरथी के कठोर तप के बाद आज ही के दिन धरती पर अवतरित हुई थी। इस पावन मौके पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पुरोहित बताते हैं कि गंगा दशहरा के दिन का अलग ही महत्व है। आज गंगा मैया के गंगा दशहरे के पावन अवसर पर गंगोत्री धाम में सुबह ही श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी है और स्थानीय देव डोलियां भी गंगोत्री धाम में पधारी हैं और सभी लोग गंगा घाट में स्नान कर रहे हैं और पुण्य अर्जित कर रहे हैं। गंगा का मतलब ही आज के दिन जिसमें स्नान करता है दशहरा के दिन, 10 ऐसे पाप जिनका कभी निर्मूल नहीं हो सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकते, ऐसे पापों की मुक्ति आज के दिन जो गंगा दशहरे में स्नान करता है माँ भगवती गंगा के पास, निश्चित तौर पर उसको जो है पापों से मुक्ति मिलती है और उसको जो मनमांचित फल जो चाहता है वो उसको प्राप्त होता है। गंगा दशहरा पर देश भर में उत्साह है। एमपी में भी श्रद्धालु मां नर्मदा में स्नान कर गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। हरदा में बड़ी संख्या में भक्त हंडिया स्थित नर्मदा तट पहुंचे। स्कंद पुराण और नर्मदा पुराण के अनुसार गंगा दशहरा पर माँ गंगा माँ नर्मदा से मिलने आती है और इस दिन नर्मदा स्नान से गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। आचार्य पंडित मुरलीधर व्यास बताते हैं कि माँ गंगा का जन्म ज्येष्ठ मास की सप्तमी को हुआ है, लेकिन गंगा दशहरा के दिन भगवान शंकर की जटाओं से माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। ऐसे में इस दिन का धार्मिक महत्व ज्यादा है। पुराणों में उल्लेख है कि माँ गंगा ने माँ नर्मदा को वचन दिया था कि साल में एक दिन गंगा जी माँ नर्मदा जी से मिलने आएंगी। इस बार गंगा दशहरा का महत्व और भी ज्यादा है। गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग है। हस्त नक्षत्र श्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है। सिद्धि योग में आने से इसका महत्व बढ़ जाता है। आज गंगा दशमी है। गंगा दशमी के दिन माँ गंगा माँ नर्मदा से मिलने आती है। आज उनका मिलन दिवस है। इसी अवसर पर हम सब लोग श्रद्धालु स्नान करने आए हैं, जिससे हमें माँ गंगा माँ नर्मदा के एक साथ दर्शन का लाभ मिल सके। गंगा दशहरा जो है माँ गंगा की इस दिन उत्पत्ति हुई थी। महाराज हिमवान की पुत्री माँ गंगा की उत्पत्ति इस दिन महाराजा सगर के पुत्रों का जो हुआ था, तो उनकी मुक्ति के लिए भागीरथ ने तपस्या की थी और भगवान शिव जी की कृपा एवं भगवान विष्णु की कृपा से, उनके तपस्या से माँ गंगा को पृथ्वी पर उस दिन अवतरण हुआ था। उनका अवतरण दिवस मनाया जाता है। उज्जैन में गंगा दशहरा पर नीलगंगा क्षेत्र से पंच दशनाम जूना अखाड़ा परिषद ने पेशवाई निकाली। सिंहस्थ पड़ाव स्थल नीलगंगा से पेशवाई प्रारंभ हुई, जिसमें बैंड बाजे के साथ बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। जूना अखाड़ा नीलगंगा पर माँ गंगा का पूजन किया गया। इसके बाद नीलगंगा सरोवर में विधि विधान से स्नान हुआ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और पंचायत श्री निरंजनी अखाड़ा के सचिव श्रीमंत रविंद्र पुरी महाराज, वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी कपिल पुरी जी महाराज के सानिध्य में पेशवाई निकाली गयी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और आइए अब आपको गंगा दशहरा से जुड़ी कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तरकाशी में तो गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ ही रहा है, साथ ही साथ बद्रीनाथ धाम में भी गंगा दशहरा का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज के लोगों ने अलकनंदा नदी के तट पर माँ गंगा की पूजा अर्चना की है। तीर्थ यात्रियों ने अलकनंदा नदी में डुबकी लगाई है, साथ ही तप्त कुंड में भी तीर्थयात्रियों ने स्नान जाप और ध्यान किया है। गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जल सैलाब उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पर पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा दशहरा के स्नान का बड़ा महत्व भी बताया जाता है। श्रद्धालु देश भर के कोने कोने से हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान यहां पर करते हैं। उज्जैन में भी गंगा दशहरा पर अखाड़ों की पेशवाई निकली। चार तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। रौबदार मूछे पुलिस वालों की पहचान रहे हैं। देश के कई राज्यों में पुलिस कर्मियों को मूछों पर ताव देने के लिए भत्ता तक दिया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने मूछ के लिए भत्ता देना बंद कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी ऐसे कई पुलिसकर्मी हैं जो मूछों को श्रृंगार समझते हैं। डलास, हैंडल बार, फू मांचू, हॉर्स शू, शेवरन, क्या आपको पता है ये सभी मूछों के स्टाइल हैं? बदलते समय के साथ फैशन बदला, लेकिन मूछें कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुई। लोग मूछों को मर्दों की शान भी कहते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन से लेकर राजपुताना राइफल्स के जवानों की रौबदार मूछें साहस और शौर्य के प्रतीक की तरह प्रतीत होती हैं। कई राज्यों में तो पुलिस जवानों को भी मूछ भत्ता तक दिया जाता है। ये व्यवस्था छत्तीसगढ़ में भी थी। एक वक्त था जब गुंडे बदमाशों में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस कर्मियों को मूछें सवारने का भत्ता दिया जाता था। ये भत्ता पहले 50 रुपए था, जिसे बाद में बढ़ाकर 120 रुपए कर दिया गया, लेकिन अब प्रदेश में मूछ भत्ता बंद कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय से लेकर थाने तक आमतौर पर क्लीन शेव पुलिस कर्मी ही नजर आते हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्हें उनकी मूछों से बहुत प्यार है। भत्ता मिले या न मिले, इन्होंने अपनी मूछों पर ताव देना नहीं छोड़ा। हाँ, पहले मिलता था, जो मूछ रखने में जो अच्छा मूछ रखे उसको भत्ता मिलता था, अभी बंद हो गया है। और मूछ रखने से शान है और मूछ रखना भी चाहिए, और उससे थोड़ा तगड़ा भी लगता है। अगला आदमी जैसे कोई भी निकल रहा है, थोड़ा सा उसको दहशत रहता है, अरे यार है मूछ रखा है तो लोग बोलते हैं कि तगड़ा लग रहा है। एक जमाना था जब हट्टे कट्टे और रौबदार पुलिस कर्मियों को देखते ही अपराधियों के हौसले पस्त हो जाते थे, लेकिन अब पुलिस का सौम्य चेहरा नजर आता है, मूछ गायब हो चुकी है। हालांकि जिन्हें मूछों का महत्व पता है, उनके लिए आज भी ये शान है। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से अब बहुत कम ही पुलिस ऐसे हैं जिनके मूछे हैं और मूछ नथुलाल जैसे कहते हैं, लेकिन अब जितने भी आपको पुलिस मिलेंगे स्मार्ट दिखेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोग दबंग पुलिस भी देखना चाहते हैं। तो एक वक्त ऐसा था जब मूछों का रौब दिखता था, लेकिन अब रौब भी नहीं नजर आता, क्योंकि अब जो प्रोत्साहन राशि है, जो भत्ता है, वही नहीं मिल पा रहा है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और आइए अब आपको दिखाते हैं उस कांकेर की तस्वीरें जहां अफसर का मोबाइल ढूंढने के लिए लाखों लीटर पानी बहा दिया जाता है, और वहीं एक ऐसा गांव है जहां के लोग झिरिया का पानी पीने को मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। बूंद बूंद पानी को तरसते लोग, ये तस्वीरें उसी कांकेर की हैं जहां एक अफसर का मोबाइल ढूंढने के लिए 21 लाख लीटर पानी बहा दिया गया। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित जीवलामारी गांव है, जहां पहाड़ी में बसे इस गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क तक नहीं है। गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत से भी ग्रामीण जूझते हैं। जब शासन प्रशासन ने कोई पहल नहीं की तो ग्रामीणों ने खुद से पानी की समस्या दूर करने का प्रयास किया। इसके लिए हर घर से 11,000 रुपए जमा कर बोर कराया, और बोर से पानी तो निकाला गया, लेकिन ये पानी ग्रामीणों तक पहुंचने के लिए बिजली की जरूरत मानता है, जो कि यहाँ नहीं।
ग्रामीणों का कहना है कि अगर ट्रांसफार्मर और पंप नहीं लगा तो उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी। का समस्या है तुम्हारी? पानी के है। पानी के है वो का है? सड़क के। काकेर जैसे जाते तुम मन तो काकेर जाए कैसे कौन सा रास्ता जाना आना पड़ता दहाय दिकांकेर तक सड़क कैसे सड़क बनाए पर नहीं बोले बोल था फिर बन ही तक तो ये पानी पानी वगैरह बोल था कौन मन कौन कौन करना चाहते थे कलेक्टर मन करा। गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए 5 साल पहले कच्ची सड़क बनी थी जो बारिश में बह गई और ऐसे में बोरिंग की गाड़ी भी केशकाल से 50 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता तय कर यहां पहुंची। ग्रामीण पानी के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं लेकिन इससे पानी भरने में घंटों का समय लगता है और ऐसे में ग्रामीणों को झिरिया का पानी पीना पड़ता है। अंकेर से महज 15-17 किलोमीटर है। अच्छा आप लोगों को क्या समस्या अभी वहाँ जाने वाने के लिए रास्ता है? जाने के लिए रास्ता नहीं है सर जी बस और सबसे बड़ी समस्या रोड और फिर पानी का। पानी की अभी कैसी क्या समस्या? अब हम लोग जिला प्रशासन से भी गुहार किए सबसे किए और हमारे उनके पंचायत के माध्यम से और फिर जिला प्रशासन के माध्यम से आश्वासन दिया गया कि बोर खोदवा फिर हम लोग करेंगे। बोर भी खुदाई हो गया 500-600 फीट खुदाई हो गया है पानी भी आ गया है और हमारा मांग है कि ऊपर में बड़ा ट्रांसफर चढ़ जाए फिर वहाँ से बोर भी चले। ग्रामीण कई बार शासन प्रशासन से सड़क और पानी की मांग कर चुके हैं लेकिन अब तक न सड़क मिली न ही पानी। जहां मोबाइल ढूंढने के लिए लाखों लीटर पानी बहा दिया गया हो वहां पानी की ऐसी किल्लत सवाल तो खड़े करती है। कांकेर से न्यूज 18 के लिए केएम नारायण शर्मा की रिपोर्ट। मंजिल हासिल उन्हीं को होती है जो प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर जाएं और कहते हैं कि ऐसा करने वालों के साथ तो खुद ईश्वर भी खड़े हो जाते हैं। रायपुर की देवश्री ने भी ऐसी ही मुश्किलों से मुकाबला करके आज सबको एक सीख दी है। देखिए देवश्री की कहानी। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं लेकिन जिस नाम में देव और श्री दोनों हों तो उस पर ईश्वर की कृपा क्यों ना बरसे। रायपुर की इस बिटिया से मिलिए जो आज हर तरफ सुर्खियों में है। पता है क्यों? क्योंकि नेत्रहीन होने के बाद भी उन्होंने PhD पूरी की है और अब वो डॉक्टर देवश्री भोयर के नाम से पहचानी जाएंगी। मुश्किलें तमाम थी लेकिन नजर आसमान पर थी तभी तो मंजिल पाकर ही चैन लिया देवश्री ने। देवश्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे ही जानते हैं कि उनका PhD तक का जो सफर है वो कितना चुनौती भरा रहा। तो देवश्री भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान पर आपने PhD किया है तो PhD के लिए आपने इसको ही क्यों चुना? भारतीय राजनीति में मैंने जो अटल बिहारी वाजपेयी पे जो PhD की है मैंने इसलिए चुना क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे थे बुद्धि मतलब व्यक्तित्व बुद्धि के धनी थे और उनके मन में किसी के प्रति चाहे वो पार्टी हो चाहे कोई भी हो किसी के प्रति उनमें बुरा विचार नहीं था। वो गरीबों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे खड़े हुआ करते थे और जो आज की जो जनधन योजना चल रही है वो उन्हीं के नाम पर उन्हीं की देन है। तो हम ये कह सकते हैं चाहे वो सदन में बाहर रहे हो चाहे सदन के अंदर सबके लिए एक समान व्यवहार करते थे और वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि उनके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान पर PhD करने वाली देवश्री को उपाधि प्रदान की गई। और जो PhD का सपना मेरे पिताजी का भी था और मेरा भी था तो कोई ऐसी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि चुनौतियां भी आई है तो उन्होंने दरकरार किया। यदि वो चुनौतियों का हम लोग मेरे माता पिता यदि उसको पकड़ के रहते तो आज मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाती। तो मैं लोगों से यही कहूंगी कि कभी वो हिम्मत ना हारे कोई भी ऐसी मजबूरी आए तो उसको दरकरार करे। देवश्री आपके पिता मजदूरी करते हैं और उसके बाद भी आपके पिता ने आपकी PhD की थीसिस लिखने में आपकी हेल्प की है तो उनके लिए ये जो सफर है वो कितना परेशानियों का उनको जो है कितना सामना करना पड़ा है? मेरे पिताजी को इनका सामना तो करना नहीं पड़ा यदि वो करना भी पड़ा होगा तो उन परेशानियों का सामना मुझे जाहिर नहीं होने दिया उन्होंने। दीक्षांत समारोह में जब आपको PhD की उपाधि मिली है तो वो पल आपके लिए कैसा रहा?
दीक्षांत समारोह में जब मुझे पीएचडी की अवार्ड तो मुझे मिल चुका था 12 फरवरी 2022 को, जब डिग्री मिली तो वो पल मेरे लिए एक गौरव का। आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आगे आप और क्या करना चाहती हैं? मेरी फ्यूचर प्लानिंग तो यही है कि मैं आगे भी प्रोफेसर पद में ही रहूंगी, अभी भी धमदा गवर्नमेंट कॉलेज धमदा में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान में पढ़ा रही हूँ एडाप्ट पे, और आगे मतलब मैं रेगुलर के पोस्ट पे पढ़ा रही हूँ। वाकई देवश्री हम सब के लिए एक मिसाल है, क्योंकि उन्होंने हालात के आगे घुटने नहीं टेके बल्कि अपने पंखों को फैला कर चुनी आसमान में ऊंची उड़ान। रायपुर से न्यूज 18 के लिए तनु वर्मा की रिपोर्ट। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन इस कहावत से इतर जब बाबा बागेश्वर के सामने मोर नाचा तो बाबा भी खुद को रोक नहीं पाए। देखिए मोर संग बाबा की मलंग मस्ती। ये रंग देखिए, ये ढंग देखिए, ये उमंग देखिए, ये तरंग देखिए, ये साथ देखिए, ये मस्ती देखिए। देखिए क्योंकि हमारा दावा है कि इससे पहले ऐसा नजारा आपने नहीं देखा होगा। बाबा बागेश्वर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, पर्ची वाले बाबा, बालाजी सरकार के भक्त, आप इन्हें कई नामों से जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन बाबा का ये रंग, ये मस्ती पहले नहीं देखी होगी। देखा होगा कई बार उनका भव्य पंडाल, व्यास पीठ पर विराजे महाराज और उनका दिव्य दरबार भी, सुने होंगे उनके प्रवचन, हिंदू राष्ट्र का आह्वान और सनातन की चिंता करते हुए घर वापसी का प्रण भी, लेकिन बाबा का ये अंदाज नहीं देखा होगा। मस्ती में मलंग होकर मयूर के संग बाबा का ये उमंग भरा रंग, मोर भी नाचा और बाबा को भी नचाया। एक ओर सफेद रंग के चोगे में बाबा हैं, तो दूसरी ओर अपनी सुंदरता को दिखाता, उस पर इटलाता, पंख फैलाकर नाचता ये मोर, मानो दोनों एक दूसरे के रंग में रंग गए हों, एक दूसरे के संग नाच रहे हों। मयूर के नाच के संग बाबा का ये रंग लोगों को भी खूब भा रहा है, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और लोग जमकर इसे देखकर कमेंट भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18।